इस वीडियो में बात करेंगे ईडिपस रेक्स की लैंग्वेज के बारे में, डिक्शन के बारे में, जो कि सोफोक्लीस ने यूज़ की है। तो ईडिपस रेक्स में जो डिक्शन सोफोक्लीस ने यूज़ की है वो उसके प्लॉट लाइन को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। इसके अलावा इसके उसने बहुत ही अच्छे से करेक्टर्स के फॉल्ट्स को, उनके फ्लॉज को और उनकी जितने भी प्लस पॉइंट्स थे उनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके उसने एक्सप्लेन किया है। अब यही चीज़ें उसने इसकी ट्रेजिक एंड जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब उसके फॉल्ट्स को लेकर वो किस तरह उसके ट्रेजिक एंड पे लेके जाता है, इससे ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और रीडर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जैसे कि उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं साइट एंड लाइट, ब्लाइंडनेस एंड डार्कनेस, तो ये वर्ड्स कितनी अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। इसके अलावा उसके जो डायलॉग्स है ईडिपस रेक्स में, जैसे कि ईडिपस कहता है कि श्योरली द गॉड हेट मी सो मच, यानी मुझे पता है कि गॉड मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसके अलावा जब वो कहता है कि मुझे किसी ऐसी जगह पे छुपा दो, मुझे मार दो, मुझे कहीं ऐसे समंदर में फेंक आओ जहाँ पे कोई भी मुझे देख ना सके, तो ये जो इसने डायलॉग यूज़ किए हैं इससे ऑडियंस जो है वो इसके लिए सिंपथी फील कर रही है। क्योंकि ईडिपस जो है बेशक उसमें फॉल्ट्स है, उसके फ्लॉज है, उसने भी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए थे, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंस जो है उसके लिए सिंपथी फील कर रही है, जो कि उसने एंड पे ईडिपस के डायलॉग रखे हुए हैं। अब इसके अलावा देखें, जैसे कि बिगनिंग में ईडिपस अपने आप को बहुत ही प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाता है, आई एम द ईडिपस यू ऑल नो, यानी आप सबको पता है, पूरा दुनिया मेरी फेम को जानती है कि मैं ईडिपस हूँ, मैं किंग हूँ, कितना वो एम्फोसाइज करता है कि मैं आई एम ईडिपस। लेकिन एंड पे जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है तो बिल्कुल ही सौरो, बहुत ही गमगीन अंदाज में वो करवाता है कि इट्स माइन अलोन, माई डेस्टनी, आई एम ईडिपस, यानी सिर्फ मैं अकेला हूँ और मेरी किस्मत है और मैं ईडिपस हूँ, यानी बहुत ही दुखी अंदाज में वो एंड पे बात करता है। और ये चीज़ देखकर ऑडियंस जो है वो उसकी ईडिपस के लिए सिंपथेटिक फील करती है, ईडिपस के लिए उन्हें दुख होता है, वो सौरो फील करती है। अब ईडिपस ने इसमें बहुत ज़्यादा, उसके फ्लॉज भी थे, उसने गलतियाँ की, उसकी एंगर, उसका ये जो था एक हमाशिया था जो कि उसे उसका इसकी वजह से ही ट्रेजिक एंड होता है, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है कि उसके फॉल्ट्स को डिस्क्राइब करते करते उसके ट्रेजिक एंड पे ले गया, और उसने ऐसी चीज़ें भी यूज़ की हैं कि ऑडियंस जो है उसके लिए सिंपथी भी फील कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज उसने यूज़ की है सोफोक्लीस ने, और किसी भी प्ले में, किसी नॉवल में एक लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है कि किस तरह आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, किस तरह ऑडियंस का आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो यही चीज़ थी सोफोक्लीस की। इसके बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।